कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और उसके लिए आप सबकी इसलिए भी आशीर्वाद की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा वो करने का काम किया। आप लोग कभी कोई कल्पना कर सकता था कि निवाड़ी को जिला बनाने की जब बात हुई तो निवाड़ी जिला कैसे चुटकी हो में बन गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पूरा मध्य प्रदेश चौंक गया कि निवाड़ी में ऐसी क्या बात थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने वायदे के मुताबिक निवाड़ी को जिले बनाने की सौगात दी, और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ विकास का एजेंडा लेके निवाड़ी जिले को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितना कर सकता था उनका करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की वो जन कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन के तहत अकेले निवाड़ी विधानसभा में 400 करोड़ रुपए खर्च करके घर घर पानी देने का काम, माताओं बहनों को देने का काम किया। अकेले 150 करोड़ से ज्यादा की सड़कों के काम निवाड़ी विधानसभा में करने का काम किया। राम राजा लोक बनाए, जामनी बेतवा पैसे पुल बनाए, 52,000 से लगभग लाडली बहनों को मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों को सौगात देने का काम किया। आयुष्मान प्रधानमंत्री जी की योजना का हजारों लोगों को जीवन दान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ आपके कहने की आवश्यकता नहीं। हम चुनावी समर में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ जीते, बहुमत के साथ जीते, विधायक आपका भारतीय जनता पार्टी का जीते, कौन चेहरा होगा कोई पता नहीं, लेकिन विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीतना चाहिए। आपका समर्थन की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा मध्य प्रदेश में जब सरकार बनेगी, देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार बनेगी, तो भारत एक नए नक्शे के कदम पर चलेगा, मध्य प्रदेश नए नक्शे के कदम पर चलेगा, और निवाड़ी जिले को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मित्रों, पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा जो शीर्ष नेतृत्व मंच पर बैठा है, आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद की इसलिए भी जरूरत है कि जो कहा वो करने का काम किया, कोई धोखे नहीं किए, कोई घोटाले नहीं किए। अभी मित्रों, कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर भी खबरों का बात कर रहा हूं, आपको राम राजा की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करे, और अगर ऐसा किया हो तो दोनों हाथों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की आवश्यकता है। मेरे प्राण जब तक रहेंगे, आपकी सेवा करने का अवसर जब तक मौका लगेगा, जब तक करने का काम करूंगा। मेरा जीवन आपके लिए है, मैं मरूंगा तो आपके लिए मरूंगा, जीऊंगा तो आपके लिए मरूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, कार्यकर्ता हूं, जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो आपके लिए करने का काम करूंगा। मित्रों, भरोसा रखना, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें आप शर्मिंदा हो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें मैं शर्मिंदा हूं, और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरा मंच का नेतृत्व शर्मिंदा हो। मैं पूरी ताकत के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका पूरा जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है। जब तक जान होगी पूरी ताकत के साथ आपके साथ चलने को तैयार रहूंगा। इसलिए मित्रों, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद और धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसा ही बना रहे, मैं यही करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। और विश्वास करना, अभी निवाड़ी को भारतीय जनता पार्टी की बहुत जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की बहुत जरूरत है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बहुत जरूरत है। इसलिए निवाड़ी के लिए, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन दमना चाहिए, चाहे वो मेरे किसान भाइयों हो, चाहे मेरी लाडली बहन हो, चाहे मेरे युवा साथी हो, चाहे मेरे विधानसभा के बुजुर्ग मतदाता हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में आशीर्वाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आपका आशीर्वाद मिले, यह कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।